अस्सलामुअलैकुम। सज्जन राशिद व्लॉग्स को पहले आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और उसके बाद आपको सज्जो जो है आज इंजॉय करवाएगी अपने साथ साथ ट्रैवल अपना, और आप लोग देखिएगा कहाँ कहाँ हम जाते हैं। फिलहाल तो मैं अपना जो बचपन जहाँ पे गुजरा है जियाबगा गांव जो है वहाँ जा रही हूँ अपनी फैमिली को लेके। तो वहाँ पे जैसे ही पहुँचेंगे और आपको एक एक जगह जो है वहाँ मैं दिखाती जाऊँगी, आप देखते जाइएगा। और बस 5 ईयर की थी या 6 ईयर की थी, वालिद साहब गवर्नमेंट जॉब के लिए लाहौर आ गए, लाहौर शिफ्ट हो गए और जियाबगा गांव छोड़ दिया। अभी हम लोग बड़की दियारा जो है उस रोड पे पहुंचे हैं और जैसे 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 सफ़र करते जाएंगे आपसे बातें करते जाएंगे, आपको अपना गांव दिखाएंगे, सज्जो को वो घर सज्जो आपको वो घर दिखाएगी जहाँ पर बचपन गुजरा है और पैदाइश सज्जो की जहाँ पर हुई थी। राशिद की तो खुशी की इंतहा नहीं, वो कह रहे हैं सज्जो हम कहाँ पैदा हुई थी और बचपन आपका कहाँ गुजरा था। ये देखे जियाबगा गांव जा रहे हैं हम अभी, तो ये यहाँ पे जो ये रोड है ना, कौन सी रोड है ये? बड़की दियारा, बड़की दियारा वाली रोड है ये, और फोटो स्टेडियम कुछ लिखा हुआ यहाँ पे। ये देखे था कितना प्यारा नज़ारा है, सुबह फजर की नमाज पढ़ के घर से निकल पड़े हैं और देखे कितना जबरदस्त, ओहो ठंडी ठंडी हवा। और यकीन करे ऐसे में तो सफ़र करने का बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आता है। और ये देखे मेरे बच्चे कितना खुश हो रहे हैं, ये मामा का बचपन वाला वो गांव देखेंगे ना, और जहाँ पे मामा की पैदाइश हुई थी, जहाँ पे बचपन गुजरा था। और मैं तो वो घर ढूंढूंगी ना सबसे पहले, पता नहीं वो गलियाँ वो बाजार चेंज हो गया है। और अलीजा सबूर मेरे दूसरे बच्चे जो है ना वो ज़रा मुँह मारी कर रहे हैं थोड़ी सी क्योंकि मैंने इनको कहा था नाश्ता करो, नहीं किया। बाहर आओ जल्दी आओ गाड़ी में से बाहर आओ। ये देखे मेरे राशिद को तो बहुत हम ही। आपको एक और जबरदस्त अंडरपास दिखाते हैं जहाँ से फौजी गुजरते हैं। इधर कहाँ पे कहाँ वो देखे वहाँ से। हेलो हेलो कर दो। ये मेरा मुन्ना जो है ना ये तो बड़ा ही खुश हो रहा है, ये मेरी बेटी अलीजा है, और ये कह रहे हैं कि मामा जी हमें तो बहुत खुशी हो रही है और मुझे मेरी खुशी की इंतहा नहीं। यकीन करें मैं सोच रही हूँ मुझे अजीब सा फील हो रहा है कि वो गांव बचपन क्या वहाँ पे मैं पहचान पाऊँगी, गली को घर को, मेरा घर कहाँ था, वालिद साहब ने सेल कर दिया था ना लाहौर आ गए थे। ये देखें ज़रा ये बेदिया रोड तक हम आ गए हैं और ये कितना ज़बरदस्त ये चौक है, ये देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त उन्होंने क्लॉक बनाया हुआ है इस रोड पे। और ये देखें मेरे बच्चे तो मेरे से भी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, अभी तो हम गांव पहुँचे भी नहीं हैं और मुझे अजीब सा फीलिंग हो रही है मैं ढूंढ पाऊँगी वो गलियाँ बाजार हमारा घर सेल कर दिया था वालिद साहब ने। लेकिन ये देखें कितनी ज़बरदस्त जगह है, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, ये देखें ओहो वाह जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग सुबह सुबह फजर के टाइम निकले हैं, ठंडा टाइम था और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ले जी अब हमारा जियाबगा गांव जो है ना उसका स्टार्ट हो गया है और 3 किलोमीटर का सफ़र रह गया है और यहाँ हम देख रहे हैं कि स्कीम बन रही है, बड़ी ज़बरदस्त काफ़ी बड़ी स्कीम है यहाँ पर, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। जब हम बहुत छोटे थे ना उस वक्त तो ये कच्ची सड़कें थी और कोई इतना ख़ास यहाँ पे नहीं था, ये अब तो स्कीम का इन्होंने ये देखें ज़रा वो देखें, ये मेरे लेफ्ट साइड पे हैं और ये देखें ये मेरे राइट साइड पे हैं, ये स्कीम बन रही है और मैं सोच रही हूँ कि इसी स्कीम में क्यों ना प्लॉट ले लिया जाए। और ये देखें मेरा मुन्ना भी आ गया है, ये देखें अभी तो मेरे मुन्ने ने वो घर देखना है जहाँ मामा पैदा हुई थी, जहाँ पे मामा जो थी वो चूस ली बहुत मैं मुँह में लेती थी और मेरी मामा छुपा दिया करती थी, छत पे फेंक दिया करती थी। ये देखें कितना ज़बरदस्त खुला एरिया है ये, ओहो वो देखें ज़रा क्या ज़बरदस्त जगह है ये, यकीन करें जी नहीं चाहता
यहाँ से हिलने को, क्योंकि मुझे पता ना बचपन इन रास्तों से जो था हमारा गुजर हुआ करता था। और लाहौर शहर में हमारे रिलेटिव होते थे जिनको वालिद साहब मिलने आते थे, तो हमें साथ लेके आते थे। और फिलहाल अब तो पता नहीं कितने साल गुजर गए, कितने सालों के साल हमारे कोई रिलेटिव रहे भी नहीं गांव में, सारे के सारे गांव छोड़ के चले गए। कोई मुल्तान, कोई खानेवाल, कोई लाहौर शिफ्ट हुए हैं, सभी ने अपने घर वहाँ बना लिए। और हमें तो अरसा हो गया, काफ़ी अरसा हो गया, 5 ईयर की थी जब लाहौर शिफ्ट हो गए थे। वालिद साहब ने लाहौर में जो था रेलवे की जॉब स्टार्ट हुई थी उनकी, तो वहाँ पे हमें कोठी मिली थी, उसी में ही बचपन गुजरा, शादियाँ भी वहाँ पे हुई, स्कूल कॉलेज भी वहीं पे पढ़ा। तो आज इतने अरसे बाद आए हैं और देखें, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है, मैं कसम से बेचैन हो रही हूँ, जल्दी से वहाँ पहुँचूँ जी, अब अगर गाँव में अपना घर देखूँ, वो गलियाँ देखूँ जहाँ बचपन में घूमा करती थी, नंगे पाँव फिरा करती थी गलियों। ये देखें ये जी अब का गाँव की जो ये रोड है ना, ये कच्ची हुआ करती थी जब हमारा बचपन था, हम यहाँ रहते थे। अब ये पक्की सड़क हो गई है और बड़ी ज़बरदस्त साफ रास्ता बन गया है और बड़ी सहूलत हो गई है अब यहाँ पे। देखे जरा ये देखे यहाँ पे ईटे का देखना पड़ता है, ये ज़बरदस्त बहुत छोटी थी ये भी थी जब वालिद के साथ कभी इतना होता ना होता था, कहीं इधर उधर तो फिर लड़ते थे। ये कच्ची ईटे बड़ी बड़ी है, ये देखें ये लकड़ियों पर डाल लिया, ये देखें जरा अब ये हमारा गांव जो है उसकी अंदरूनी जगह सारी शुरू हो गई है। ये इस गांव में मैं कभी बड़ा फिरती होती थी, छोटी होती 4 ईयर की, फिर 3 ईयर की थी, इन गलियों में जूता कोई ख्याल नहीं होता था, नंगे पाँव भाग दौड़ करती थी। ये देखें ये गवर्नमेंट हाई स्कूल, उस वक्त तो ये प्राइमरी था, बड़ी आपी और छोटी आपी यहाँ पे स्कूल पढ़ने आती थी और मैं 2.5 साल की थी। और ये देखें ये जो रोड है ना, ये तो उस वक्त गली थी कच्ची सी, और यहाँ पे मैं रींगती हुई, जब रींगता है ना बच्चा 2-2.5 साल का, तो मैं रींगती हुई घर से निकल आई थी। और ये वो सड़क है, अब तो सड़क बन चुकी है, उस वक्त गली थी। तो किसी दुकानदार ने मुझे देख के पकड़ा और आपी को आवाज़ दी कि इसको अपनी बहन को ले जाओ, उसने मुझे उठा के घर छोड़ा। अभी दिखाती हूँ घर भी और गली भी दिखाती हूँ आपको, ये यादें जो है ना ये बस रह जाती हैं, क्या करें इतना टाइम गुजर गया। उस वक्त तो 5 ईयर की थी जब चले गए थे लाहौर। ये बिल्कुल सामने हमारे ताया जान की हवेली है और वो सेल कर गए हुए हैं, और ये हमारे मामू जान का घर था, काफ़ी बड़ा है ये, इसको भी इन्होंने सेल कर दिया। मामू जान भी नहीं दुनिया में रहे, ताया जान भी नहीं दुनिया में रहे, और यहाँ पे हमारा बचपन, हम इनको मिलने के लिए आया करते थे, यहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है। ये देखे जरा वो ताया की हवेली, ये साथ मामू का घर काफ़ी बड़ा, और यहाँ पे तो हाँ खेलते खेलते आ जाया करते थे। ये देखें ज़रा मेरे ताया जान की जो बेटी है ना, उसकी बेटी की शादी यहाँ जिया बगा गाँव में हुई है, तो उन्होंने ये देखे जरा ये जानवर माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, ये गाय रखी हुई हैं, और ये मुर्गियाँ भी आपको दिखाते हैं, सील मुर्गियाँ, ओहो मेरी कमज़ोरी। ये देखें सील चूजे, ये तो मेरी कमज़ोरी है, मुझे जहाँ नज़र आ जाए ना बस इनकी क्रीपे बनानी शुरू कर देती हूँ। ये देखे आपकी माँ को, अभी टक्कर मारने लगी थी ये बच गई। ये देखें रैबिट भी रखे हुए इन्होंने, और सील मुर्गियाँ, सील चूजे, देसी मुर्गियाँ, देसी चूजे, और ये देखें ये गाय अभी टक्कर मारने लगी थी मुझे। ये देखें कसम से कितना प्यारा माहौल बनाया हुआ इन्होंने, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये क्लिप्स बना के लेके जाऊँगी, सारी फैमिली के साथ शेयर करूँगी, सबको दिखाऊँगी। ये देखें ये सील मुर्गी, रैबिट है तो माँ को सील मुर्गी है, और वो यूँ भागती है, उसके बच्चों को हाथ लगाओ तो वो देखें जरा, ये देखें बच्चे निकाले हुए ना सील मुर्गी ने, तो वो तो नहीं हाथ लगाने दे रही। सबूर इधर आओ, मेरा सबूर कहता है मैंने तो चिड़ियाघर यहाँ पे देख लिया मामा जी, मेरा बेटा चिड़ियाघर की जिद कर रहा था, यहाँ चिड़ियाघर देख लिया जिया बगा गाँव में। ये मेरे ताया जान की बेटी जो है ना,
बड़ी सबसे बड़ी उनकी बेटी की यहाँ शादी हुई है तो उनके घर में हम आए हैं। अब प्यारा लग रहा है ये माहौल कसम से। इन्होंने तो ये देखें पंखे लगाए हुए हैं ताकि जानवरों को गर्मी ना लगे छत वाले घर के। ये देखें ज़बरदस्त निज़ाम सारा किया हुआ है। ये देखें जरा सबूर ज़िद कर रहा है कि मैंने रैबिट पकड़ना है। आ जाओ, उसकी मामा ने पकड़ लिया लेकिन वो डर रहा है। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो सबूर पकड़ लो। ये दुआ ने पकड़ लिया ना सबूर, आप भी पकड़ लो। ओह सबूर को शौक बड़ा लेकिन पकड़ नहीं रहा, डरता हुआ कि नाखून ना मारे। ये देखें 5 ईयर की थी या 4 ईयर की थी, इस दरबार पे मेला हुआ था तो यहाँ पे मैंने जो था कुल्फा, जो शहरों में कुल्फा कहते हैं और गांव में इसको फालूदा कहते हैं खाया था और जलेबी खाई थी और गोले खाए थे, गोला घटा जो है वो गोले खाए थे। 3 ईयर की थी या 4 ईयर की थी तो वो मेला बस देखा, उसके बाद फिर शहर में शिफ्ट हो गए लाहौर में। ये बाबा मासूम शाह का दरबार है जिया बगा का और यहाँ पे जो मेला लगता है बड़ी रौनक होती है। ये मेरी दुआ देखें ज़रा, ओहो कितना अरसा गुजर गया और कितना चेंज हो गया हर जगह हर चीज़। ये दरबार पे तो मुझे याद है मेला लगता था तो मामा पापा इधर आते थे हमें लेके, तो हम लोग बड़ी सैर करते थे, बड़ी चीज़ें खाते पीते थे। आ जाए दुआ कर लिया तो लाए, मैं खाती हूँ। ये जो गली है ना, ये गली हमारे घर की गली है और मैं घर अपना दिखाती हूँ आपको। ये देखें ये हमारा घर आ गया, वालिद साहब ने बेच दिया था तो। ये देखें जी आ गया सज्जो का घर। सज्जो 5 साल की थी जब ये घर छोड़ के चली गई थी। ये जो गेट है ग्रे कलर का पीछे, ये देखें ये मेरे वालिद साहब ने बहुत ही शौक से बनाया था लेकिन गवर्नमेंट जॉब जब मिल गई थी ना तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए थे। और ये देखें जरा ये सारा जो है ये वो गली है, वहाँ तक मैं चल के जाती थी, आगे मासूम शाह दरबार है। और ये देखें ये जो गली है यहाँ से बाहर निकलती है, बाहर एरिया में बाहर बहुत सी गलियाँ निकलती हैं और मैं छोटी होती 2.5-3 साल की थी तो यहाँ से ना रिंग रिंग के गलियों में भाग जाती थी और मुझे दुकानदार पकड़ के घर में छोड़ के जाते थे कि आपकी बच्ची घूम जाएगी। और ये देखें आज मुझे जुनून हुआ कि मैं गांव जाऊँ और जाके ये देखें ये घर है हमारा। ये देखें ज़रा ये देखें ज़रा ये फ्रंट है हमारे घर का। और अभी अंदर जाते हैं, इन्होंने तो नक्शा चेंज कर दिया हुआ रूम का अभी सारा। बेटा पीछे होना, ये घर के अंदर एंट्री हो गई है। ये हमारा ड्राइंग रूम था काफ़ी बड़ा, इन्होंने सारा शॉर्ट कर दिया वैसे। ये टीवी लाउंज है, ये देखें ये सीढ़ियाँ और ये देखें बहुत ज़बरदस्त इन्होंने चेंज करके बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है। ये देखें ज़रा ये इन्होंने रूम इस साइड के कर दिए ना, हमारे ये सामने फ्रंट पे थे तो वो लॉन्ड्री है, ये लॉन्ड्री इन्होंने कर दी है। और ये किचन है हमारा, किचन टीवी लाउंज के साथ था, ये यहाँ पे किचन है और ये लॉन्ड्री है। और ये देखें ज़बरदस्त बना दिया वैसे आंटी आप लोगों ने तो, हमारे घर से ज़्यादा ज़बरदस्त बनाया नक्शा, ये बहुत प्यारे कर रहे हैं। हमारा तो बड़ी सी एक बस बैठक थी, बाकी छोटे छोटे रूम थे और साथ अटैच छोटे छोटे स्टोर रूम और किचन थे बस, लेकिन आपने मतलब बहुत प्यारा बना दिया हुआ है। ये देखे ज़रा, ओहो वालिद साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, 10-12 साल हो गए हैं लेकिन इस घर में बचपन तो गुजरा है ना, 5 साल तो यहाँ गुजारे हैं, यहीं पे पैदाइश हुई है। और बस चलो ये देखें ये हमारा ड्राइंग रूम था और काफ़ी बड़ा था, इन्होंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको। ये देखें ज़रा ये बाहर के दरवाजे, यहाँ पे हमारा बाहर का दरवाज़ा था, इन्होंने ख़त्म करके विंडो कर दिए। एक यहाँ से बाहर से हम गेट के साथ दरवाज़ा लगा हुआ था, यहाँ से अंदर आते थे। बस बचपन गुजर गया, बेच दिया। हम लोग दिया बगा गाँव से निकल आए हैं
और ये रोड पे आ गए हैं। ये वो रोड है जो कच्ची रोड होती थी और आज पक्की रोड बहुत की है, बड़ी जबरदस्त रोड हो चुकी है। और यहाँ पे तो गांव का नक्शा बदल गया है, यकीन करे वही बाजार जहाँ कच्ची दुकानें हुआ करती थी गलियों में। मैं 2.5-3 साल की थी और मैं बल्कि 2 साल की थी जब रिंगा करती थी ये गलियाँ सारी फिरती थी। और जब मैं 3 साल की हुई तो फिर बस जूते का कोई परवाह नहीं पता था, बस लॉलीपॉप मुँह में डाला और बाहर की गलियों में सैर करती थी। वो शॉपकीपर जो होते थे वो पकड़ के लेके आते थे और वो कहा करते थे चौथी रात ला साहब आपकी बच्ची घूम जाएगी, इसको पकड़े। और मुझे यकीन करें ये सारी गलियाँ देख के, बाजार देख के, हमारा वो एरिया देख के, घर देख के इतनी खुशी हुई है कि मैं गली एक सीन मैंने कैच किया है वीडियोस में, पिक्स में, अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरे शौक से देखते हैं मेरी वीडियोस को लाइक मैस करते हैं। अभी तो हम रास्ते में हैं, बस घर पहुँचते ही पोस्ट करनी शुरू कर दूँगी वीडियोस में। ये देखें ज़रा ये जो है ये फसलें हैं और ये कच्ची आबादी है यहाँ पे। यहाँ भी इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई, ये जियापा का गांव से थोड़ा सा आगे की गांव है। तो ये वापसी का रास्ता है हमारा, वापसी जा रहे हैं हम। हाँ तो देखते जाए ज़रा, ये देखें ये गांव जो है ना, इसकी जो लाइफ है यकीन करें वो नहीं मिलती। लेकिन हमारे वाले साहब जो है ना वो टीचिंग करते थे उस वक्त, और सभी मास्टर रहमतुल्ला के नाम से जानते थे, सभी ने पहचाना है मुझे। आप भी जल्दी रहमतुल्ला की बेटी हूँ। सिर्फ एक बात जो है ना उसकी कमी रह गई है कि नानी नाना और दादी दादा जो है उनकी कब्रों पे नहीं जा सकी, मुझे पहचान ही नहीं है कब्रों की, पता ही नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ वाली साहब जो जिस घर में हमारे साथ टाइप है 5 साल में रही पैदा होने के बाद, काफ़ी जो और आ गई थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। यकीन है वो गलियाँ वो खुशियाँ जो है ना वो नहीं भूलते। बहुत छोटी थी गाड़ी में रहना ही आपको सब कैसे याद था, एक एक गली एक एक घर। सारे हमारे रिलेटिव जा चुके थे यहाँ से इस गांव को छोड़ के, लेकिन आज एक हमारा रिलेटिव जो था ना हमारी साया की बेटी वो यहाँ मिली है। तो बड़ा अच्छा लगा है कि हम घर ढूंढने में आसानी होगी, गलियाँ ढूंढने में आसानी होगी।